जैसे आप 5 दिनों में भी 10,000 व्यूज़ ले सकते हैं, जिसमें आप अपने YouTube पे मोनेटाइजेशन ऑन कर सकें या एनेबल कर सकें। और आपने अभी तक हमारे इस पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो जैसा कि आपने जानते हैं कि YouTube ने अब ये सिस्टम कर दिया है कि जब आपके 10,000 व्यूज़ होंगे तभी आपके वीडियोज़ पर एड्स आएंगी। तो मेरे को ये पहले बात पता नहीं थी, पर मैंने 5 ही दिनों में सिर्फ 11,000 व्यूज़ ले लिए हैं। और वो कैसे ले लिए हैं, बहुत ही सिंपल ट्रिक है, आप भी यूज़ करें। थोड़ा कम्युनिटी गाइडलाइंस के थोड़ा खिलाफ है, पर ये आपके बहुत काम आएगी। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, आपके व्यूज़ दें कि कैसा आपको वीडियो लगा। मैंने सिर्फ एक हफ्ते में 70 से 75 वीडियोज़ अपलोड किए हैं, मतलब एक दिन में मिनिमम 4 से 5 वीडियो अपलोड किए। इससे होता क्या है कि 4 से 5 वीडियो में आपका कोई एक वीडियो तो अच्छा हो ही जाता है कि जिसमें कहीं ना कहीं लोग उसको व्यूज़ मिल ही जाते हैं। अब जैसे मेरे सिर्फ 5 दिनों में मेरे हो गए थे समथिंग 11,000 व्यूज़, तो उनमें से कुछ वीडियो ऐसे थे जो थोड़े अडल्ट थे, थोड़े कैची उनके थंबनेल थे, बाकी कुछ भी नहीं था। तो उस पे जैसे 2,000 व्यूज़ आ गए एक पे, एक पे 1,500 व्यूज़ आ गए। तो मेरे से 5 दिन में ही ये ट्रिक आप अपना सकते हैं, कोई से भी वीडियोस आप अपलोड करें, ज़्यादा अपलोड करें जिससे आपका एक या दो वीडियो वायरल हो जाए। पर जैसे ही वीडियो वायरल होगा बाद में उन वीडियो को अनलिस्टेड या डिलीट कर दें, जिससे कि आपको कभी प्रॉब्लम ना हो कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ। ठीक है दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि अगर इस चीज़ को आप गलत मत लीजिएगा कि मैं ऐसे ही वीडियो डालूँ तो ट्रेंडिंग में आ जाएगा, क्योंकि YouTube ने अभी एक वीडियो, एक चैनल पूरा ही हटा दिया गया है जिसका 1 मिलियन पूरा सब्सक्राइबर्स हो गए थे, उसके करीबन 11 लाख सब्सक्राइबर्स अभी 1-2 दिन में ही हुए थे। तो वो फेक न्यूज़ डालते थे या कुछ भी ऐसा डालते थे, तो उनको YouTube ने पूरा करियर ही ख़राब कर दिया। तो ये चीज़ ध्यान रखना, बस आपको ये